31 तारीख रात में जब आप लोग प्रार्थना में बैठे थे, 1 तारीख भोर में जिन बातों को मैं बतलाया उसी बात को मैं बीते रविवार के दिन प्रचार में बोला था। आप जितना आपसे बोल सके ज्यादा से ज्यादा इन बातों को बोलते रहेंगे। बहन धर्म साहब को बतलाती है, विश्वास के अंगीकार करो, फेथ कन्फेशन। विश्वास की बातों को, जिन बातों का आप विश्वास करते हो उन बातों को आप अंगीकार करो, अपने मुंह से बोलते रहो। प्रभु यीशु मसीह का एक उपदेश को याद दिला रहा हूं, किसी पहाड़ को तुम देख करके विश्वास के साथ कहोगे कि जाके तुम समुद्र में गिर पड़ो, वो तुम्हारी आज्ञा मानेगी। हालेलुया। कुछ लोग विश्वास नहीं हो रहे इसलिए नहीं बोल रहे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना का प्रतिफल जरूर देगा। मैं अभी एक सच्ची घटना को बता रहा हूँ। एक प्रचारक एक बात प्रचार में कह रहे थे, एक विश्वासी लगभग 4 घंटा वो अपने घर से चर्च जाने में एक तरफ जाने में लगता था और दूसरी तरफ आने में लगता था, क्योंकि इनका घर, बच्चे ध्यान दें, इनका घर, इस विश्वासी का घर और चर्च दोनों के बीच में कुछ दूर जाने के बाद बहुत बड़ा पहाड़ था। क्या था? बहुत बड़ा। और पहाड़ को चढ़ के उतरने में उनको ज्यादा समय लग जाता था। ध्यान दीजिए, इसमें कितना घंटा लगता था? 4 घंटा लग जाता था। अब 4 घंटा जाने में, 4 घंटा वापस आने में, और आराधना मान के चलिए अगर 2 घंटा भी हुआ है, एक रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार दिन आराधना के लिए वो व्यक्ति 10 घंटा खर्चा करता था। मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक दिन की बात है, आराधना करके, यही प्रचार सुन करके, आराधना करके वो विश्वासी लौट रहा था। क्या प्रचार सुना था? प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ को देकर के आज्ञा देने के लिए कहा, वो तुम्हारी बात को मान के समुद्र में जाके गिर पड़े। उस प्रचार को उसने चर्च में सुना। सुनिए ध्यान से, आपकी जीवन की परिवर्तन, आपकी जीवन में आशीर्वाद, आपकी जीवन में उन्नति, आपकी बच्चों में उन्नति, आपकी हर बातों में, भविष्य में अगर आशीषों के साथ आपको रहना है, जब आप यहाँ आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए, बाकी सभी बातों को भूल जाइए। जितना आप ध्यान देंगे उतना परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। जितना ध्यान है उतना विश्वास है, जितना विश्वास है उतना बढ़ोतरी है, जितना बढ़ोतरी है उतना आपको दुनिया देख करके जन्म करेगी। ये तो फटा फटी हुई साड़ी पहनी थी, आज कैसे इतना चमक दमक में आ गई? परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। ये तो मजदूर था, ये कैसे इतना बड़ा गाड़ी लेके घूम रहा है जी? मेरा परमेश्वर करेगा। विश्वास का प्रतिफल है। जैसा चर्च में वो विश्वासी पात्र प्रचार सुना था, बात करता सुन के जब लौट रहा था, लौटते समय उसी प्रचार जो हमने कहा था, पहाड़ को तुम आगे दोगे वो तुम्हारे सामने साथ जाएगी, तुम्हारे लिए मार्ग देगी, तुम आराम से जा सकोगे। तो पात्र साहब 1 घंटा के बाद उनको कहीं जाना था, वो भी पैदल आ रहे थे, उनको भी इसी पहाड़ को पार करके जाना था कहीं। आते समय में ये विश्वासी उस पहाड़ के सामने घुटना टेक करके हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपकी वचन तो हमें आज सुना कि हम विश्वास के साथ आज्ञा देंगे, ये पहाड़ हट जाएगा, टल जाएगा, समुद्र पे जाके गिर पड़ेगा। जब उस प्रचार को सुन करके उसी प्रचार के अनुसार वो प्रार्थना कर रहा था, पीछे पात्र आकर के और उनको थोड़ा समय देगा, उसके बाद उनके कंधा पर हाथ रख के प्रार्थना की, उनको जगाया, बाबू क्या कर रहे हो? तब पात्र को उन्होंने कहा कि पात्र जी, आज प्रभु का वचन आपने हमको सिखाया, हम उस विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तब पात्र भी उनके विश्वास के साथ मिलकर के प्रार्थना किए। 2 दिन के बाद उस गांव में सड़क निर्माण करने वाले सरकारी आला अधिकारी आके, वे रोड बनाने वाले जो लेंस लेकर के नहीं चेक करते हैं, वो सब गाड़ी में कुछ लोग आकर के देखने लगे, इधर से नाप हो रहा, उधर से नाप हो रहा, उस साइड में चढ़ रहा, इस साइड में कूद रहा, सब कोई काम करने के बाद गांव के लोग उन लोगों से पूछने लगे कि आप लोग कौन है, क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए अधिकारी लोगों ने कहा, इस पहाड़ को हटा करके बीच में पक्का चौड़ा रोड बनने के लिए सरकार आदेश दी है, इसीलिए हम लोग आए।
खाली बजा के खड़े हो। अगर ये हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूं आपके जीवन में भी परमेश्वर कर सकता है। जैसा आपका विश्वास है वैसे ही आप परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं आपका जैसा विश्वास है, मैं आपसे कह रहा हूं इस जगह में मैं करीब करीब 2019 से जब कोरोना स्टार्ट हुआ था 2019 दिसंबर अक्टूबर नवंबर में से उसका नाम ही COVID-19। तो 2019 में जब कोरोना शुरू हुआ था उस समय से हम लोग यहाँ पर उससे पहले भी हम टहलते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन उस समय ज्यादा प्रार्थना होने लगा, समय ज्यादा मिल गया लॉकडाउन होने के कारण। कभी 21 दिन लॉकडाउन, कभी 15 दिन लॉकडाउन, इसके चलते यही पर हमको रहने के लिए ज्यादा समय मिला, ज्यादा हम प्रार्थना करते थे, कुछ नहीं था, लेकिन हम प्रभु से विश्वास के साथ हाथ जोड़ के धन्यवाद देके प्रार्थना करते, प्रभु तो ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। और कभी कभी हम सूर्य ब्लसी छोटी अभिषेक और हेमंत, उस समय हेमंत का परिवार यहाँ नहीं था, तो हम लोग सभी इसी जगह में बैठ करके प्रार्थना करते थे, कभी कभी रोज करते थे, कभी कभी बीच में गैप हो जाता था, लेकिन मुझे यहाँ पर रोज आना पड़ता था क्योंकि मैं प्रार्थना करने के लिए आ जाता और यहीं पर मैं वॉकिंग भी करता था। ध्यान दीजिए भाई बहन, मैं आपसे कह रहा हूं जैसा आप विश्वास के आंखों से देखोगे, जैसा आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे, जैसा विश्वास करोगे, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में इस सामने काम करेगा। मैं हड़बड़ा के प्रचार नहीं करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आज का समय समाप्त हो जाएगा तो अगला काम करेंगे, इस पूरा महीना में मैं इसी संबंध में प्रचार करना चाहता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए मैं आपके लिए प्रभु के साथ प्रार्थना में भी मेहनत करता हूं, यहां भी आकर के आपके लिए प्रार्थना के साथ मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात को हल्का मत समझिए, सबको मुझे देखे, ध्यान दीजिएगा, मैं सबको देख रहा हूं, मैं फोन प्रचार करते करते मैं आप ही को देख रहा हूं, क्योंकि मेरा हार्दिक इच्छा और दर्द है एक माँ अपने बच्चा पैदा करने के समय में जिस तरह पीड़ा के साथ चिल्ला करके बच्चा पैदा करती है, उस तरह मैं यहां से आपके लिए प्रचार करता हूं ताकि आपके दिल में घुसे, आपके दिमाग में घुसे, यहां तक आप आ करके आप यहां से कुछ भी नहीं सीखते, कुछ भी नहीं प्राप्त करते, आपको यहां आना बेकार है। जैसा आप काम करने के लिए जाते हैं उसके लिए भी तो मजदूरी मिल जाती है, उससे ज्यादा 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना परमेश्वर परमेश्वर के भवन में आने से हमें आशीष देता है। इस कारण ध्यान दीजिए, मैं आज का प्रचार मैं उसी वचन को पहले आपको याद दिलाने के लिए पढ़ाऊंगा, उसके बाद 3 टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स करके मैं इस मुद्दा के आधार पर आज मैं प्रचार करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए जिस तरह हम रटाते रहे उन्हीं बातों को मैं फिर रटा रहा हूं, उन बातों को पाने के लिए जैसे हमने आपसे कहा था आई विल मेक यू प्रॉस्पर, मैं तुमको आशीषों के साथ बढ़ाऊंगा और बढ़ोतरी को ओर ले जाऊंगा, तुमको मैं परिपूर्ण आशीष दूंगा, जो परमेश्वर वायदा दिया है उस वायदा के अनुसार आशीषों को पाने के लिए हमें क्या करना है। और जिस तरह परमेश्वर ने कहा मैं तुमको परफेक्ट, आई विल मेक यू परफेक्ट, मैं तुमको उत्तम बनाऊंगा और उत्तमता की ओर ले जाऊंगा, जीवन हमारा जीवन बदलने वाला इस साल में, उत्तमता की ओर ले जाऊंगा और उत्तम पदार्थों से मैं तृप्त करूंगा, बाद में इन वचनों का अध्ययन करेंगे। और दूसरा एस्टैब्लिश, मैं तुमको दृढ़ करूंगा, परमेश्वर का वो जो शब्द है के पुस्तक 36 अध्याय के 11 पद, उसके अंदर से इतनी बातें निकलती है, मैं तुमको इस साल में दृढ़ करूंगा, मैं इस साल में तुमको मजबूत करूंगा, बलवंत करूंगा, और इस साल में मैं तुम्हारा निपटारा करूंगा, आई विल सेटल यू, मैं तुम्हारे निपटारा कर दूंगा। आप अगर इन बातों को पाना चाहते हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर का वचन आपको सिखाया जाएगा इस समय से, ध्यान पूर्वक सुनिए और प्रभु से अनुग्रह मांगिए, प्रभु समझने के लिए मुझको बुद्धि दीजिए। प्रभु मैं आपसे कह रहा हूं बीते हफ्ता बहुत लोगों को फोन किए, देश भर में से कहीं कहीं से इधर उधर से बहुत लोग फोन किया, बिहार से एक भाई फोन किया, वो हमसे बोल रहा था कि भैया आपने ऐसा खूबी है, आपने अनपढ़ लोगों को बाइबल का शिक्षक बना दिया, इतना आपने हम लोग दिल और दिमाग में खून खून के वचन को भर दिया, आज हम प्रभु में अटल है, मजबूत है, दृढ़ है और एकदम बलवंत
और परमेश्वर में मजबूती के साथ हम प्रभु के साथ जा रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, वचन को पढ़िए, क्योंकि मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, आप में से कोई भी ये ना समझे ये उपदेश कठिन है, ये समझ में नहीं आएगा, ये केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। नहीं, मैं चुनौती दे रहा आपको, हमारे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कितने लोगों का मैं नाम लूंगा तो आपका रुआ खड़ा हो जाएगा, आपका रोता जाए फिर लेटेगा नहीं, एकदम बदन में सीधा खड़ा हो जाएगा। ऐसा ऐसा अनपढ़ लोगों को प्रभु के लिए तैयार करके प्रभु की सेवा में लगाने के लिए प्रभु ने हम लोगों को इस्तेमाल किया। कोई कोई 50 लोगों को प्रभु में लेकर आगे आप झेल, जिनको बाइबल पढ़ने नहीं आता है, तो उनके लिए परमेश्वर अगर कार्य कर सकता है तो आपके लिए क्यों नहीं कर सकता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके जैसा विश्वास है, जैसा भूख और प्यास है, वैसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कहावत ऐसा है, जो प्यासा है वो अपने आप पानी के पास जाएगा, उसको कोई पानी लेके पिलाता नहीं, तुम ज्यादा प्यासा पी लो। आपके अंदर अगर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास रहेगा, आप अपने आप जो है परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मुझको बुद्धि दीजिए, समझने के लिए शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मैं पूरा पूरा समझना चाहता हूँ, कुछ अनुग्रह दे। एक वचन तो पढ़िए, उसके बाद हम प्रचार को शुरू करते हैं। याकूब की पत्री, उसकी पहला दिया 5 वचन को पढ़ेंगे, याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। ये शब्द सबको, दुनिया में जितने इंसान को उसने जन्माया, हम सब इंसान परमेश्वर की सृष्टि है, सबके ऊपर ये लागू है। बिना उलाहना किए उदारता से सबको वो देने वाला है, इस विचार के साथ वो सबको देना चाहता है, सब किसी को देना चाहता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, मैंने एक उदाहरण दिया था कि पहाड़ को हटाने के लिए प्रभु का वचन सुन करके जो व्यक्ति प्रार्थना, जो विश्वासी प्रार्थना किया, उसका प्रार्थना को देख करके पास्टर भी उनके साथ मिलकर के प्रार्थना किए, अगला हफ्ता में वो काम चालू हो गया। उसके बाद पूरा 1-2 व्यक्ति प्रार्थना करने के द्वारा उस पूरा इलाका के लाखों लाखों लोगों के लिए जिंदगी में खुशियां आ गई, आपकी एक जन की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना में, धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। आप अपने आप को हल्का मत समझे, आप ऐसा समझे हम किसी से कम नहीं है, तब परमेश्वर आपको उठाएगा, तब आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। यहाँ एक जीवित गवाह गवाही मैं आपको सामने खड़ा कर रहा हूँ, वहाँ शांति बैठी है, शांति झारखंड के रहने वाली, झारखंड में सिंहभूम करके चाय बाछा जिला के पास में सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम करके सिंहभूम जिला के रहने वाली। मैं उनकी जिला में गया हूँ झारखंड में, ध्यान दीजिए, वो मसीह परिवार में जन्म नहीं ली, और किसे कैसे कैसे मसीह को जान गई। आराधना में एक शब्द, ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है, लुके छिपे, एकदम छोर जैसे आराधना में जाने के लिए अपने घर से 3 घंटा साइकिल चला के जंगल में जाते थे, 3 घंटा वहीं वहां बैठी है। बाद में पूछिएगा उनसे, बात कीजिए, ऐसे लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए। 3 घंटा जंगल में साइकिल चला के जाती थी, और वहां कितना घंटा आराधना होती थी मालूम नहीं, आराधना करके फिर वापस 3 घंटा आती थी, मतलब ये पूरा दिन जंगल में ही 6 घंटा आना जाना, फिर जंगल में ही जो चर्च था वो चर्च में बाद आराधना अटेंड करवा। उतना मेहनत मसीह में आने से पहले मसीह के प्यार के कारण इतना मेहनत करके आराधना में जाती थी, आज परमेश्वर इनके लिए एकदम हाईवे में लेके आता, जहां रोड नहीं था वहां साइकिल चला के जाती थी, आज परमेश्वर महारानी जैसे इनको बस में बैठा करके यहां तक पहुंचाता। ताली बजा के मैं तो कहूंगा, आराधना के बाद जरूर उनके साथ 5 मिनट समय दीजिए, और मेरा सबको, आप सभी लोगों से बोल रहा हूं, उनके साथ समय बिताइए, ध्यान दीजिए, किसी कोई लकड़ी अगर जलती है उसके साथ
पानी में भिंगा करके दूसरा लकड़ी को फेंकेगा तो भी आग लग जाएगा। हालेलुया। आपके आत्मिक जीवन को तगड़ा बनाने के लिए जो आत्मिकता में तगड़ा है उनके साथ सड़ जाएंगे, जिससे आपका अंदर जो ताकत आ जाएगी, ताकि आप दूसरों को जिला सके, दूसरों को खड़ा कर सके, दूसरों को ताकत दे सके, दूसरों को बलवंत बना सके, दूसरों का आप सहारा बन सके। हम सबके लिए प्रभु सहारा है, परंतु कोई सड़क में चलते समय में बेहोश होकर गिर जाता है उस समय प्रभु नहीं आता, वहां आपको प्रभु बनना है। उसी बात को मैं आपसे बोल रहा हूं, बार बार ध्यान दीजिएगा, मैं गंभीर बात को आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आप इस बात को अपने जीवन में उतारिए। जैसे आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं वैसे आप अपने जीवन में लागू करेंगे। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं, 100 के करोड़ गुना मैं दावा के साथ कह रहा हूं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि ये जगह कुछ नहीं था जहां हम लोग बैठे हैं, तो उस पर इन बातों पर हमने विश्वास किया, सबको विश्वास के साथ यहां पर प्रार्थना किए, सब कुछ हो गया और थोड़ा 30% का काम बाकी रह गया। विश्वास करते हैं जरूर निकट भविष्य में परमेश्वर काम को पूरा करेगा। लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं है करके सोचने साथ जा, परमेश्वर हमारे सब कुछ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन को ऊपर हम ध्यान देंगे, जरूर परमेश्वर हम सब को आशीर्वाद देगा। ध्यान दीजिएगा, उसी वचन को पहले पढ़ेंगे, ये देखिए भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 36 अध्याय। इस वचन को कोशिश कीजिएगा आप मनन करने के लिए, उस शब्द को कम से कम उस शब्द को आप मनन कीजिएगा। ये पूरा पद, ये जो पूरा वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा वायदा इज़राइल के लिए परमेश्वर ने दिया है। जब इज़राइल देश में कुछ नहीं था, इज़राइलियों के पास कुछ नहीं था, गुलामी के तरह जिंदगी कर रहे थे, लोग रो रहे थे, दांत पीस रहे थे और अन्य जाति देशों में गुलामी कर रहे थे, और कभी गुलामी कभी अपना देश, कभी इस तरह ऑप्शन डाउन उनके जीवन में होती थी। ध्यान दीजिए, मैं मेन बात आपके सामने ला रहा हूँ, ध्यान देता ये बात आपको समझ में आ जाएगा। इस दृष्टिकोण से आप इस वचन को देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। इज़राइल देश उजड़ा हुआ है, इज़राइल देश के अंदर रहने वाले बहुतों को जब भी शत्रु आकर के उस देश के ऊपर चढ़ाई करता था, तलवार उठा के युद्ध में लड़ने लायक लोगों को पकड़ करके ले जाता था अपना देश। कभी आराम देश में लोग आते थे, आज का सीरिया देश है, कभी बाबुल देश में से, आज का इराक देश है, इस प्रकार कभी फिलिस्तीनियों में से, आज का पैलेस्टीनिया है। इस प्रकार इज़राइल देश के चारों तरफ के रहने वाले लोग उनके ऊपर दबाव बना के रखते थे। ध्यान दीजिए, इसके चलते बार बार युद्ध होती थी, बार बार इज़राइल का सब कुछ नष्ट किया जाता था। मिदान देश के बारे में आप गिदोन के समय में याद कीजिएगा, अभी सभी बातों को वचन से निकाल के दिखाने के समय नहीं है, मैं बोल रहा हूँ याद कीजिए। गिदोन जल्दी जल्दी जब अपना गेहूं का कटनी कर रहा था, उस समय परमेश्वर का दूत आकर के उससे बात करने लगा, हे शूरवीर क्षमा, परमेश्वर तेरा संग है। तो उसके लिए वो जवाब देता, परमेश्वर हमारा संग रहता, हमारा साथ इस तरह का दुर्दशा क्यों होता? हम अपने ही घर में गुलाम है, कोई भी हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए सोचता आकर के चढ़ाई करता है, मारता है, हमारे घर द्वार को उजाड़ता है, हमारे घर की लड़कियों को अपना देश में ले जाके मनोरंजन करता है, हमारे देश के लड़कों को अपने घर में ले जाकर के गुलामी कराता है। परमेश्वर हमारे साथ काम, ध्यान दीजिए बेटा, ये इज़राइलियों का परिस्थिति बैकग्राउंड में आपको भूमिका दे दी। कभी वे स्थिर नहीं रह पाते थे, ध्यान दीजिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा आई विल सेटल यू, मैं तुम्हारा निपटारा करूंगा। कभी वे मजबूत नहीं हो पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनको उनसे वायदा किया, आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुमको मजबूत करूंगा, मैं तुमको बलवंत बनाऊंगा, मैं तुमको जयवंत से बढ़कर जयवंत बना दूंगा। और वे कभी भी परफेक्ट नहीं हो पा रहे थे, परफेक्शन आत्मिक जीवन में अगर देखिएगा, वे जीवित है परमेश्वर को जानने के बावजूद भी पेड़ की पूजा करते थे, पेड़ के सामने बलि चढ़ाते थे, अपने बच्चों को जलने के लिए, जलाने के लिए दे देते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जबकि ये सब करने के लिए इनके लिए मना था। इसलिए आत्मिक जीवन जिनकी डमाडोल है
कभी भी वो परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं आप सबके लिए भविष्यवाणी की तरह इस प्रचार को कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, अपने जीवन को कहां कहां सरियाना उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं जरूर मैं तीन बात तो बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट अभी समय है, ध्यान दीजिए। तो इजराइल का यही भूमिका है, वे स्थिर नहीं थे, वे परफेक्ट नहीं थे, उत्तम नहीं थे, और उनके अंदर पवित्रता नहीं थी, उनकी आत्मिकता में स्टेबलनेस स्थिरता नहीं था, और हमेशा वे अप्स एंड डाउन्स करते थे, कभी पहाड़ पे चढ़ जाएंगे आत्मिक जीवन में, कभी एकदम 10 फुट जिंदे जमीन के नीचे चले जाएंगे गड्ढा में, कभी आसमान में, कभी जमीन के 100 फीट नीचे, इस प्रकार इनके आत्मिक जीवन उथल पुथल होता था। सही शब्द अगर हिंदी में कहा जाए, इनके आत्मिक जीवन में उथल पुथल अप्स एंड डाउन्स होता था, उसके चलते अभी एक ऐसा समय आया इन लोग परमेश्वर के पास लौट आए, तब परमेश्वर उनसे गले लगा के चुम्मा देने के दिन से उनसे बात करता, वही वचन हम इस 11 पद में पढ़ते। अब इस दृष्टिकोण से इसको पढ़िएगा, अपने आप समझ जाएंगे, पढ़े। और तुम और मैं तुम मनुष्य तुम पर मनुष्य पशु दोनों को बताइए, मनुष्य को मनुष्य क्या देगा, इसका मतलब इस देश में जितना जनसंख्या थी वो घटी हुई थी, क्योंकि वे कई देशों में आस पास के देशों में गुलाम के रूप में चले गए, उनको पकड़ करके ले जाकर लोग अपने घर में अपने देशों में गुलामी कराते थे, इसलिए परमेश्वर वायदा करता वही से स्टार्ट करता, तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बड़ा होगा और वे बढ़ेंगे और फूलेंगे और फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल की नाई कसम, देखिए देवन अनस्टेबल, वे उस जगह में बसे हुए नहीं थे, उनकी जिंदगी हिलते डुलते रहता था और ऊपर नीचे इस प्रकार उनकी जिंदगी थी। जब परमेश्वर के पास मन फिरा के दिल खोल करके आए तब परमेश्वर कहता प्राचीन काल के समान, जैसे इब्राहिम का समय, जैसा ईसा का समय, जैसा याकूब के समय, उस समय में लोग जैसा थे, जैसा मूसा के बाद यहोशू आकर के तुम लोगों को इस धरती में तुम लोगों को बसाया, वो शब्द यहां इस्तेमाल किया जा रहा, उसी तरह मैं तुम लोगों को तुम्हारे देश में इज़राइल देश में फिर से प्राचीन काल के समान बसाऊंगा। हालेलुया, ये ना केवल उनके लिए हमारे लिए भी, इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप सही तरह से समझ लें, तभी आपके दिल में फटफट से वचन बैठ जाएगा, ध्यान दीजिए। मैं फिर से प्राचीन काल के समान तुम लोगों को यहां पर बसाऊंगा, और पहले से अधिक यही वायदा है, पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं, पहले से अधिक तुम्हारे लिए भलाई करूंगा। आई विल मेक यू प्रॉस्पर मोर देन बिफोर, मैं पहले से अधिक तुम्हारे लिए भलाई करूंगा। मैं समझ रहा हूं 50% आप इस वचन को समझ गए, बारंबार इस दृष्टिकोण से इस अध्याय को पढ़िएगा तब सब कुछ समझ में आएगा, राइट। मैं इसके बारे में जैसे मैंने आपको बारंबार एक शब्द को दोहराया था, उत्तमता के बारे में और शुद्धता के बारे में, दृढ़ता के बारे में, स्थिरता के बारे में, मजबूती के बारे में, बलवंत के बारे में, निपटारा करने के बारे में, इन सारे बातों को एक एक अपना हम बाद में प्रचार करेंगे, लेकिन इन सारे आशीषों को पाने का रास्ता जब आप यहां आपके बैठे प्रभु के भवन में, इसका एक रास्ता है जो सड़क में सटा हुआ, वो गेट अगर बंद रहता उसमें ताला लग गई होती आप और हम ऊपर नहीं आ सकते। इसी तरह परमेश्वर के समस्त आशीषों को पाने का द्वार के तरह इस प्रचार को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिए। थ्री टाइप ऑफ ब्लेसिंग्स, मैं उन तीन बात को आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान दीजिए। तीन प्रकार के आशीर्वाद, जल्दी 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 हम पढ़ेंगे, एक बार और इस वचन को पढ़िए, और एक जन पहला पांच अध्याय का 10, ये दोनों वचन पुराना नियम नया नियम के दोनों किताब को जोड़ने के जैसा वचन है, दोनों का जोड़ है, गठजोड़ है, परमेश्वर
जैसे वहां कहा था वैसे हमारा साथ भी वायदा करता है। पुराने नियम के कलीसिया के लिए भी लागू है, नए नियम के कलीसिया के लिए भी वचन लागू है। अब उसी वचन को पढ़ो, शैलो पहला पत्र 5 का 11 पत्र 10 पत्र पढ़े। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। पढ़े पहला पत्रस 5 अध्याय का 10 पद। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी देखिए ये बात बहुत इस सारी आशीषों के पहले इस बात को पत्रस लिखता है, तुम्हारी थोड़ी देर की जो क्लेश है या उपद्रव ठीक है दुख उठाने के थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आशीषों स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा, बलवंत करेगा, उत्तम करेगा और हमारे लिए परमेश्वर निपटारा भी करेगा। इन सारे बातों को हम बाद में सीखते आएंगे। ध्यान दीजिए एक उदाहरण पुराना नियम है, पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 और 4 पद। अय्यूब की पुस्तक ये सब हमारे जीवन में होगा या नहीं होगा, ये सब जैसे जैसे वचन में लिखा है वैसे वैसे क्या परमेश्वर हमारे साथ कर सकता है, ये क्या संभव है, ये क्या हो सकता है। इस प्रकार आपके अंदर अगर दुविधा में आप हैं या शंका में आप हैं या परमेश्वर के वचन पर आप शक करते हैं, आपको मैं पुराने नियम से एक बात को ला रहा हूँ। पढ़ेंगे 3 और 4 पद पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधेया, ठीक है, और बहुत से दास दासियां थी, बहुत ही दास और दासियां थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी, वरन उसके पास इतनी संपत्तियां थी कि पूर्वी देशों के लोगों में पूर्वियों में से सबसे बड़ा था अय्यूब, ठीक, और सबसे बड़ा था है? उसके बेटे बारी बारी से है? एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के बुला भेजते थे। 5 पद को पढ़ेंगे। जब के भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोज को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। आप बाकी बातों को आप बाद में पढ़ लीजिए। एक ही दिन में इनके पास जितना संपत्ति थी और बाल बच्चे थे सब कोई समाप्त हो जाए, नीचे पढ़ने से आप बाद में समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए एक ही दिन में सब कुछ समाप्त हो गया। जब सब कुछ एक ही दिन में समाप्त हो जाती है आदमी उस समय विश्वास की बातों में डगमगाने लगता है, आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कोई कोई पागल हो जाते हैं। देखिए यहां पर हजारों के संख्या में हजारों 500 इस प्रकार इनकी संख्या, बाल बच्चे भी कम नहीं थे, सब कुछ एक ही दिन में समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद भी परमेश्वर के विरोध में अय्यूब एक शब्द भी नहीं बोले, पर यह भी कहता है परमेश्वर को उसके बारे में गवाही देता है, मेरा दास अय्यूब मेरे विरोध में अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला। थोड़ा सा नुकसान होने के बाद हम लोग का जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाती है, बहुत उल्टा सोचने लगते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉकडाउन के समय में कर्नाटका प्रांत में एक बहुत बड़ा उद्योगपति बिजनेसमैन आत्महत्या करके मर गया था और वो जाना माना व्यक्ति इसी प्रांत की जो मुख्यमंत्री थे सीएम कृष्णा एसएन कृष्णा उनकी वो दामाद
एस एन कृष्णा कांग्रेस के समय में दिल्ली सरकार की वो फॉरेन मिनिस्टर थे, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति, उनकी दमाद आत्महत्या करके मार गया। क्यों? बिजनेस में तब हो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया। अब इस सप्ताह में हमने यूट्यूब में समाचार में देखा कि एक और बहुत बड़ा जाने माने व्यक्ति कर्नाटका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन आत्महत्या करके मर गया, गोली मार दी, मर गया, खत्म। ध्यान दीजिए भाई बहन, हम लोग साधारण लोग हैं, लेकिन हम बड़े बड़े जो इस संसार के दिग्गज हैं, उनसे परमेश्वर के दृष्टि में परमेश्वर हमें दिग्गज बना के रखा है। इसलिए कुछ भी होने से हम हिलते डुलते नहीं है, घबराते नहीं है, डगमगाते नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कोई गति नहीं होगी। परमेश्वर मेरा, यदि परमेश्वर मेरा दैन्य हो रहे, मेरा सामना कौन कर पाएगा? हम उस पर आस लगाए हुए रहते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ को डाल देते हैं, क्योंकि वैदिक धर्म शास्त्र हमें सिखाती है अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाया है कि ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, इस संसारिक जीवन में दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे श्रापों को मिटाऊंगा, मैं तुमको अंधकार से ज्योति मिलाऊंगा, मैं तुम्हारी गति को बढ़ते में ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा, मैं तुमको अशुद्ध बनाऊंगा। ताली बजा के यहाँ पर अय्यूब की जो जिंदगी शुरुआत बहुत अच्छी थी, कुछ इसी अध्याय में सब कुछ गड़बड़ाने लगा। शैतान आकर के परमेश्वर से आरोप लगाता है, आपने उसके लिए सब कुछ दिया इसलिए तो आपको पीछे चलता है। क्या ये सही बात है? हमारे पास क्या बीएमडब्ल्यू कार है या बैंक में 50 करोड़ रुपए पैसा है? कुछ नहीं, हम उसके प्यार के चलते उसके गुलाम है। ताली बजाते यीशु का अगर मानना शुरू करता पैसा मिल गया होगा इसलिए पीछे जाता है। ना ना ना, वैसा नहीं। देखिए यहाँ एक व्यक्ति है, हम सबके लिए एक अच्छा नमूना है। ये व्यक्ति, प्रभु के नाम की स्तुति हो, ये व्यक्ति मेरे पास जितना था सब कुछ मुझसे चला गया, उठा गया, कोई बात नहीं, मेरे बात मेरे बाल बच्चे भी मर गए, उससे कोई दम नहीं है। मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं बोलूंगा, उसी का साथ चलूंगा। और इस अध्याय के एक पद को पढ़िएगा, अच्छा रहेगा, पढ़े 13:15 इसी किताब में, 13:15 उसका डिटर्मिनेशन, परमेश्वर के ऊपर उसका जो अटल विश्वास, अटल भरोसा, अटल आशा, और उसकी परमेश्वर के ऊपर जिस प्रकार वो नजर लगा करके परमेश्वर के पीछे चलता था, इस एक वचन से आप समझ सकते। पढ़े 13:15, वह मुझे घात करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे मार भी डालेगा, मुझे कुछ भी आशा नहीं, मुझे उससे कोई गम नहीं है, तो भी उसी का पक्ष लूंगा, मैं उसी के साथ चलूंगा, मैं उसी से प्यार करूंगा, मैं उसी के साथ चलूंगा, मैं उसी के संग रहूंगा, मैं उसी की आराधना करूंगा, मैं उसी से प्रार्थना करूंगा, मैं उसी का वचन को पढ़ूंगा, मैं उसी में स्थिर रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर के बारे में मैं जानता हूं। मैं घोर अंधकार में क्यों ना होके चलू, परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया, मेरा हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे हर दिन मेरे साथ है, मेरा हर कदम में मेरे साथ है। जान लीजिए इतना विश्वास से इस व्यक्ति को सब कुछ, देखिए सब कुछ रहते समय में इस प्रकार बोलना आसान है, सब कुछ चला गया, गाय बैल गदा ऊन सब कुछ चला गया, भेड़ बकरियां बाल बच्चे भी चले गए, खत्म है, फिर मिलने वाला नहीं है। थोड़ा आप उनकी जगह में अपने आप को खड़ा करके देखिए, जो भी इंकार से निकल गया, चला गया, खत्म हो गया, मर गया, मिट गया, नष्ट हो गया, वो फिर मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो कहता है मेरा परमेश्वर मुझे मार भी डालेगा, मुझे खत्म भी करेगा। सब कुछ जो खत्म हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, गम भी नहीं है, दुख भी नहीं है, मुझे भी मेरा परमेश्वर अगर मार डालेगा तो पर भी मैं उसी का साथ रहूंगा।
हालेलुया। बोले हालेलुया। आज हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल का दिन अगर बदल जाता है कि आप भी बदल जाएंगे। इस तरह बोलने के लिए सीखे, मुझे मेरा परमेश्वर मार भी डालेगा, वो सब को आप इस्तेमाल किया, मेरा परमेश्वर मुझे घात भी करेगा, तो परमेश्वर के साथ होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उनका विश्वास के कारण परमेश्वर इस किताब समाप्त होने के समय में उसका जिंदगी को पूरा सवाल एकदम बदल दिया। 42 अध्याय। मैं इसलिए इस उदाहरण को आपके सामने रख रहा हूं कि क्या परमेश्वर हमारे लिए आशीष दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसका निर्णय खुद आप कीजिए। लिखा है अय्यूब की पुस्तक उसकी 42 अध्याय और उसमें 12 पद को पढ़ेंगे। एक मिनट, पहले 12 पद पढ़ेंगे, उसके बाद 10 से 12 तक एक साथ पढ़े। यहाँ अय्यूब के बाद के दिनों में नहीं, उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दे, ठीक है, और उसके 14 से भेद बकरी आप पहले जो पहला अध्याय में पढ़े थे उसमें एक के बदले परमेश्वर दो गुना आशीष दिया है। यहाँ पर 7,000 को 14,000 करता है। पढ़े, हजार चोरी गए और हजार गलियां हो गई, ठीक है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये काम परमेश्वर उसके जीवन में कैसे करता है उसका भी तरीका है। 10 पद से लेकर 12 पद तक एक साथ जल्दी पढ़े। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। एक मिनट, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे तब ही आपका दुख दूर होगा। बहुत लोगों को आदत नहीं है, केवल अपने लिए। रोज मेरे ही घर में पुलाव बनते रहना, रोज मेरे लिए नए साड़ी मिलते रहना, मेरे लिए नया कपड़ा मिलना है, मेरे लिए नया साधन चाहिए, मेरे लिए रोज पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अपने लिए ही बहुत लोग प्रार्थना करते हैं। वो तरीका बिल्कुल गलत है। यीशु मसीह अपने लिए प्रार्थना नहीं की, उसी बोझ को कलीसिया को दिया ताकि कलीसिया सबके लिए प्रार्थना करे। इसलिए पौलुस इस बात को कलीसिया को सिखाता है कि राजाओं के लिए, अधिपतियों के लिए, हाकिमों के लिए और जितने जिम्मेवार व्यक्ति हैं सबके लिए प्रार्थना करो, जनता के लिए प्रार्थना करो, रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो। आप बैंगलोर में आ गए तो इसका मतलब आप बैंगलोर वासी नहीं है। मैं बैंगलोर में रहता हूं लेकिन मेरा जन्मभूमि मद्रास है। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो आप जहां से आए वहां के लिए आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर अच्छा से यहां ला करके रख दिया, खुशी की बात है, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। लेकिन आप जहां के वहां के लोगों के लिए आपको प्रार्थना करना आपको ऊपर रखा हुआ परमेश्वर का जिम्मेदारी या कर्तव्य समझिए। यहां अय्यूब के जीवन के सारे दुखों को परमेश्वर बदलने का कारण, उसने जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। ये आपके दुखों को दूर करने का सीक्रेट है, रहस्य है, भेद। आप बहुत बातों को सोच सोच के दुखी हो जाते हैं ना, उन दुखों से आपको बाहर आने के लिए परमेश्वर रास्ता बताता है। बेटा तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ सूर्या है मेरी पत्नी, उनकी बड़े भैया के लिए, उनकी मम्मी मेरी सास माँ बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी, क्योंकि लोग सबको जाते जाते थे, वो जाति के सामने खड़ा होकर के विरोध करते थे, ध्यान दीजिए, और परमेश्वर की बातों को वो मानते नहीं थे। ध्यान दीजिए भाई बहन, ध्यान दीजिए, वो मानते नहीं थे, उनके भैया मानते नहीं थे, सबको जाति में जाते थे, लेकिन वो जाति के सामने गलत लड़कों के साथ खड़े होकर के गलत काम करते थे। उनकी माँ बहुत रोती थी, मेरी सास माँ बहुत ज्यादा रोती थी। एक दिन की बात है, परमेश्वर उनसे बात किए, तुम्हारा बेटा के लिए रोना बंद कर, दूसरों के लिए रो, मैं तुम्हारे बेटा की जिंदगी को बदल दूंगा, मैं बदलूंगा, वो काम मैं करूंगा, तुम दूसरों के लिए रो। उस दिन से मेरी माँ, मेरी सास माँ अपने आंचल को परमेश्वर के सामने घुटना टेक के बिछा देती थी, और उस पूरा इलाका में, देश भर में, सभी देशों में जितने जवान लड़के बिगड़े हुए हैं उन सबके लिए भीख मांगती। ध्यान दीजिए, प्रार्थना समय पर अपना काम करता है।
मेरे सास माँ की प्रार्थना के जीवन का एक हिस्सा बता रहे हैं। घुटना टेक के आंचल को, साड़ी का जो आंचल होती है ना, उस आंचल को हाथ के नीचे लेके बिछा देती थी। घुटना टेक के रोती थी कर्नाटका के, हिंदुस्तान की, विश्व भर के तमाम देश के लोगों जवानों के लिए रोती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मना किया, तुम्हारे बेटा के लिए प्रार्थना मत करो, वो काम मैं करूंगा, तुम बहुत ज्यादा प्रार्थना कर दी बेटा के लिए, अब दूसरों के लिए रो। वो भीख मांगती थी। मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर मन बदलने के लिए मनुष्य नहीं है, झूठ बोलने के लिए हमारे जैसे वो इंसान नहीं है। अगर वो कह दिया हाँ मतलब हाँ। आज सूर्या के भैया के चर्च में 5,000 विश्वासी है, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। और कर्नाटका में माने जाने वाले सेवक है, मैं आपसे कह रहा हूं आपके आंसू का प्रतिफल है, आपकी प्रार्थना का प्रतिफल है, आपकी हर जो इस समय की जो दुख है, इस समय की जो क्लेश है, इस समय की जो समस्याएं हैं, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन में, चाहे आपके परिवार में, चाहे आपके माता पिता में, चाहे आपके भाई बहन में, चाहे आपकी आपकी काम करने की जगह में, चाहे आप पढ़ने की जगह में, कहीं भी किसी के साथ भी आपको, अगर किसी के द्वारा भी आपको अगर दुख लगता है, खुशी से उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि बैल तरफ समय प्रचार अभी तक शुरू नहीं किया, अगला समय प्रचार करूंगा, समय 2 मिनट आगे रुक रहा है, 1 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, अगला समय प्रचार करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, पढ़ेंगे 1 वचन रोमियो को पत्र, उसकी 8 अध्याय है और उसमें 18 पद को पढ़ेंगे, 8 का 18 रोमियो को पत्र। मैं समझता हूँ कि पौलुस कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय का दुख है और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके भविष्य में, आपकी बाल बच्चों के जीवन में, इस कलीसिया में, इस सेवकाय में, आने वाले दिन में जो महिमा प्रकट होने वाली है, उस महिमा के सामने आज का दुख कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज का दुख कुछ भी नहीं है। एक दिन अय्यूब को दुख हुआ था। बाइबल धर्म शास्त्र बताती है, सोचिए एक ही दिन में सभी ऊंट, सभी गाय बैल, सभी गधे, सभी बेल बकरिया, साथ ही साथ उनके बेटे बेटियां, एक ही दिन में समाप्त हो गया। सोच लीजिए वो आदमी एक कीड़ा को उठा के आग में फेंकने से जिस तरह तड़पता है, कीड़ा तड़पती है, उस तरह 100 गुना ज्यादा वो तड़पा होगा, एक ही दिन में सब कुछ चला गया। सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन, आप थोड़ा सा कल्पनी करके देखिए आपके साथ ऐसा होगा तो क्या किया होगा। हमेशा ऐसा होने नहीं देगा। ये सब इसीलिए बाइबल में रखा ताकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर को किस प्रकार माने, किस प्रकार भरोसा करें, किस प्रकार आशा रखें, किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके लिए ये सब बाइबल धर्मशास्त्र में लिख के परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है। तो वो व्यक्ति कहता है 13:1-15 जो हम लोग पढ़े थे कि मेरे जीवन में एक महिमा प्रकट होने वाली है, इस महिमा को मैं समझ रहा हूं, समझने के कारण मैं बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर मुझे भी घात क्यों ना कर दे, काट के फेंक दे, मुझे भी मार डाले, तब पर भी मेरी आशा उसी पर होगी, तब पर भी मेरी भरोसा उसी पर रहेगी, तब पर भी मेरा विश्वास उसी पर रहेगा, तब पर भी मैं उसी का पक्ष लूंगा, मैं किसी के बात नहीं मानूंगा, किसी का बात नहीं सुनूंगा, किसी के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर का ही पक्ष लूंगा। देखिए ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट है, बयान। एक और बात को भी पढ़े, थोड़ा सा उस वचन को पढ़ दें तो उसके बाद प्रार्थना करने में सही रहेगा। 19:25 पर उसी किताब अय्यूब की पुस्तक उसकी 19 अध्याय उसमें 25 पद मेरे क्या
पढ़े। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वह अंत के दिन में इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। इसको आप कैसे भी लीजिए, मैं एक दृष्टिकोण आपको बतला रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह को पहला आगमन को छोड़िए, उसके दूसरे आगमन के बारे में भी ये वचन मेल गा रहा है। इस संसार के अंत के दिन में मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी को पर खड़ा होकर के संसार को न्याय करेगा, इसलिए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ताली बजाएं। किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करता है। आखिरी में एक बार उसी वचन को पढ़ेंगे, 42 अध्याय 10 11 12 पढ़, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उससे दुगुना परमेश्वर ने उसके लिए बढ़ा दिया। और सब बहने, सभी बहने जितने पहले उसके उसको जानते पहचानते थे सबको निहारकर, देखिए ये व्यक्ति जब शैतान उसको मारा शारीरिक तौर से सबको उसके पीछे हट गए। केवल तीन दोस्त आकर के रोज उससे बात करते रहते थे, सबको जो हट गए क्योंकि इनका देखिए पैसा पैसा का बहुत ज्यादा दुनिया है। जिसके पास पैसा है उसका हाथ पैसा दुनिया है। लेकिन वही बात उस समय में भी अय्यूब के पास जब कुछ जब सब कुछ था सबको ही साथ में थे, जब सब कुछ चला गया सबको चला गया फिर वो दिन को परमेश्वर लौटाता है कि लिखा है पहले उसको जितने जान जान पहचानते वे सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितने विपत्तियां यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। देखिए मिलने वाले उनको पैसा दे रहा है, ले जा वो भी सोने के सिक्का। आज के हिसाब से अगर देखा जाए कम से कम 50,000 रुपए दिया हो उस समय, सोना का सिक्का दे रहा है कम से कम। मैं आपसे कह रहा हूं भविष्यवाणी की तरह समय में आप इसी तरह नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको सिर को ऊंचा करेगा। जितने लोग आपको छोड़ के भागे वो सब आपके पास आएंगे, जितने आपको तुच्छ समझे बेकार समझे नालायक समझे कीड़ा समझे वे सब कोई आपके सामने आके झुकेंगे। जैसे अय्यूब के साथ हुआ था वैसे आपके पास लोग आएंगे विश्वास करने को। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार हालेलुया बोले, परमेश्वर आमीन ऐसे ही करेगा। 12 पद यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों में से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां 6,000 ऊंट 1,000 जोड़ी बैल 1,000 गदहियां हो गई। प्रभु के नाम की स्तुति, हमारा परमेश्वर दुगुना आशीष देने वाला है। मैं अभी तक भूमिका देकर के प्रचार करके रोक दिया, टाइम समाप्त है, अगला आपका हम प्रचार करेंगे। तीन प्रकार के आशीर्वाद के बारे में अगला आपका प्रचार करेंगे। आपसे मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ आने से पहले परमेश्वर का वचन को समझने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रभु जी जो भी आज चर्चा में प्रचार होगा उसको समझने के लिए हमको विशेष अनुग्रह दीजिए। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, सबको मिलकर के प्रभु से पहले वो प्रार्थना करें। प्रभु जी हम लोग जब भी यहाँ पर वचन सुनने आएंगे आराधना करने आएंगे हमें सभी बातों को समझने के लिए ओ प्रभु अनुग्रह दे, स्वामी अनुग्रह दे, प्रार्थना करें। आवाज उठा के सब कर दो हालेलुया 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 हालेलुया, आवाज उठा के प्रार्थना करें प्रभु से बोले प्रभु जी मुझे समझने के लिए हालेलुया सभी बातों को समझने के लिए सभी बातों को समझने के लिए हे प्रभु I'm
अंतिम समय इस पृथ्वी के अंतिम समय में मेरा परमेश्वर इस पृथ्वी पर आके खड़ा होके न्याय करेगा। तब तक परमेश्वर हमारा साथ चलेगा, हमारे आगे आगे चलेगा, हमारे हमें विश्राम देगा और हमारे दुखों को चिंताओं को दूर करेगा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तुम क्यों चिंता करते हो? दयालु जीवित महापिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कलीसिया के सभी लोग जो यहाँ मौजूद है, गूगल मीट में जितने लोग जमे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और फेसबुक के लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा जितने लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले दिन में इस संदेश को जितने लोग प्रभु यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को बढ़िया चीज दे। आई विल मेक यू प्रॉस्पर मोर देन बिफोर, पहले समय तुझको अधिक भलाई करूंगा, अधिक बढ़ाऊंगा, अधिक आशीष दूंगा। तेरे वचन के अनुसार हम सब लोग आशीर्वाद दे, अनुग्रह प्रदान कर। अब्दा भर हम सबों को तू संभालिए, सबकी साथ होकर के अगुवाई कीजिए प्रभु, हम तेरे पीछे पीछे चलने पाए, दुनिया की बातों में दाएं बाएं ना होने पाए, पीछे मुड़ के ना देखने पाए, प्रभु केवल तुझको देखते हुए तेरे पीछे चलने के लिए हम सबों को ऊपर अनुग्रह प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमेन।